दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निस्मत खान हिंग वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज शाम की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि सुबह से उनके यहाँ छापा पड़ा हुआ था सीबीआई वालों का। उनके यहाँ क्या देश के तकरीबन 35 जगह छापा पड़ा हुआ था, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलोर समेत 31 स्थान 31 जगहों पर छापा पड़ा आबकारी नीति के लेके। उनके यहाँ छापा पड़ा, जो आबकारी नीति उन्होंने बनाई थी, बाद में आप सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया था, उसमें कई खामियाँ आई थी और उसके खिलाफ उन्होंने जो पूर्व LG थे उनके खिलाफ उन्होंने एक रिपोर्ट भी दर्ज की थी कि उनके कहने पर और उनके सजेशन पर ये आबकारी नीति बनाई गई थी, वो BJP के थे। लिहाजा BJP से तो वैसे भी आम आदमी पार्टी के 36 का आंकड़ा है, उन्होंने पंजाब की कुर्सी उनसे छीन ली है। दिल्ली तो उन्होंने पिछले दो चुनाव से दिल्ली तो उनके पास ही है। इसके अलावा काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी बड़ी नुकसान पहुंचा रही है। और ये चीज़ केजरीवाल कहते रहे थे, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता रहता था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी कई चीज़ों में। वैसे मनीष सिसोदिया का जो एजुकेशन दिल्ली के अंदर के और स्कूल्स का जो उन्होंने बनाया है वो मार्वलस है। मैंने खुद देखा जाके कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है छोटे छोटे स्कूल्स उनमें लिफ्ट लगी हुई है, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, प्लेग्राउंड बने हुए हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रही है, उनमें पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। विदेश से लोग बाग आते थे उनको देखने के लिए, यहाँ पर विदेश से कई लोग ऐसे आए जिनकी महिला थी उनके साथ, जो वहाँ के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दौरा किया बाकायदा स्कूलों का जाके कि क्या ऐसा कर दिया कि जो पूरे विश्वविख्यात हो रहे हैं दिल्ली के स्कूल में। वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई हुई है दिल्ली के अंदर, इसी तरीके से पंजाब में पकड़ बनाई हुई है और वो गुजरात जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि मोदी के गढ़ गुजरात में जब केजरीवाल की आंखें लगी हुई हैं, हमारे ख्याल में 10-15 दौरे भी कर चुके हैं केजरीवाल वहाँ के, मनीष सिसोदिया भी जाते हैं। तो लिहाजा सॉफ्ट टारगेट उनको पहले मनीष सिसोदिया ही लगा। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, सुबह से इनके यहाँ पर चल रही थी छापेमारी चल रही थी। हमने बताया ना कि तकरीबन 31 स्थानों पर छापेमारी चल रही थी, इनकी निजी कार ऑफिशियल कार दोनों के ऊपर भी छापेमारी हुई है। उन्होंने कागजात कहा जा रहा है कागजात जब्त किए हैं, जैसा कि CBI करती है, कागजात तो बहुत जब्त होते हैं, उनको देखने के बाद पता चलता है कि उनमें है क्या आखिर कागजात में, कहने के लिए तो कह देते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर कोई आम आदमी पार्टी से घबराया हुआ है तो वो देखा जाए तो BJP है, क्योंकि वो BJP की कोई चीज़ नहीं सुनती है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी वर्चस्व को उसने BJP के एक झटका दे रखा है काफ़ी लंबा, और अब तो ये तक चलने लगा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या इसके बाद केजरीवाल को वो आगे ला रहे हैं। हालांकि वो तो सब छोड़ दीजिए, वो तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन कुछ भी कहो आम आदमी ने काम किया है। और उसमें जैसे कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनके मंत्री हैं, उनको अभी तक जेल में डाला हुआ है, कई लोगों को जेल में डाला हुआ। इसके पहले तो पूरे 15-15, 20-20 MLA इसको इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर FIR दर्ज की। अब मनीष सिसोदिया उनके खिलाफ CBI ने FIR दर्ज कर ली, अभी गिरफ्तारियां वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी खोज चल रही है, वहां पर जांच चल रही है, आगे देखिए कुछ होगा और होगा जरूर, क्योंकि BJP की ये पॉलिसी आप देख रहे हैं कि वो रेत डालती है CBI के जरिए और जितने भी उसके संस्थानों के जरिए रेत डालती है, रेत डालने के बाद धीरे से कुछ कागजात निकालती है, कागजात निकालने के बाद वो गिरफ्तारियां शुरू कर देती है। अब उसको टारगेट आम आदमी पार्टी से लगा हुआ थे, बहुत पहले चल रहा था, इसकी शंकाएं भी बहुत अखबारों में भी आ रही थी। और चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हर अपने भाषण में भी दोहराते थे कि मनीष सिसोदिया की नेक्स्ट गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की होगी, वो उन्होंने FIR दर्ज कर ली है। अब गिरफ्तारी कब करते हैं ये खबर, लेकिन हाँ आज शाम को FIR दर्ज कर ली गई है, ये ताज़ा खबर है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं बता।
अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।